हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास पेरोल कॉन्फ़िगरेशन को लेकर है। सो आप देख रहे हैं अर्थ की ऑनलाइन क्लासेस, जिसमें आप सीखेंगे पेरोल के बारे में। इससे पहले जो मैंने वीडियोस बनाई थी, उन सारी वीडियोस में मैं बता चुका हूँ पेरोल का सेटअप कैसे करते हैं, एम्प्लॉइज़ कैसे बनाते हैं। तो आज के हमारी क्लास जो है वो आगे बढ़ेगी, आप आज सीखेंगे पेरोल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो आज हम सैलरी बनाना सीखेंगे, और बेसिक सैलरी मैं आपको पूरी तरह से बना के दिखाऊंगा, जिसमें हम सीखने वाले हैं पेरोल इन्फो के अंदर यूनिट वर्क कैसे बनाना है और अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप कैसे बनाना है। इसके बाद हम नॉर्मल पे हेड्स बनाएंगे, जिसके बेस पे हम सैलरी बनाना सीखेंगे। तो चलिए आज की क्लास फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले आप यहाँ पर बनाएंगे यूनिट, तो यूनिट हम बना लेते हैं। यूनिट मैं बना रहा हूँ आवर के हिसाब से, तो ये मैंने एक यूनिट बना ली है आवर। अगर आप कहते कि आपका एम्प्लॉय लेबर है तो वो प्रोडक्शन करता है, तो पीसीज आप यहाँ पर बना सकते हैं, जिससे कि आप उसे ओवर टाइम वगैरह दे सकें। इसको एग्जिट करते हैं, अभी हमें और कोई यूनिट नहीं बनानी है। अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप पे अब हम आएंगे और यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्रिएट करने हैं वो अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप, जिनका यूज़ करके हम सैलरी जनरेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बनाएंगे प्रेजेंट। प्रेजेंट एम्प्लॉई को हमें पे करना है, तो यहाँ पर आप देखिए लिस्ट ऑफ अटेंडेंस टाइप में चार तरह के ऑप्शन आपको शो हो रहे हैं। इन चार तरह के ऑप्शन में अटेंडेंस, लीव विद पे, लीव विदाउट पे, प्रोडक्शन, यूज़र डिफाइंड कैलेंडर टाइप, तो ये चार ऑप्शन आपको शो होंगे। तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे अटेंडेंस, लीव विद पे, प्रेजेंट के लिए। तो प्रेजेंट के लिए आप यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं अटेंडेंस, लीव विद पे। इसी तरह से आपको सेकेंड वाला अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप बनाना है, जो कि है एबसेंट। तो एबसेंट के लिए आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे लीव विदाउट पे, क्योंकि एबसेंट है तो सैलरी नहीं मिलती है। तो यहाँ पर ये है। फिर यहाँ पर हम बना रहे हैं सिक लीव, तो सिक लीव बनाएंगे, क्योंकि लीव का पैसा मिलता है। कुछ लीव्स जो होती है हमारी अलाउड लीव्स होती है, कैजुअल लीव्स में उनको काउंट किया जाता है, जो कंपनी की तरफ से पेड लीव्स होती है। इस वजह से हम उन्हें अटेंडेंस लीव विद पे में बनाएंगे। तो ये हमने तीन पे हेड बना लिए हैं, एक हम पे हेड बना रहे हैं ओवर टाइम। तो ओवर टाइम का जो पे हेड अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप है, वो आपको बनाना है। यहाँ पर आप प्रोडक्शन सेलेक्ट करेंगे, जिसमें आप इसको बना सकते हैं। तो हम एज्यूम करके चलते हैं हमारा एम्प्लॉय आवरली बेसिस पे काम करता है, तो जितने घंटे उसने एक्स्ट्रा वर्क किया है, उसके लिए हम उसे ओवर टाइम पे करेंगे। तो यहाँ पर आवरली बेसिस पे हमने इसको बना दिया। तो देखा आपने किस तरह से इसको बनाना कितना आसान था। चलिए एक बार ही डिस्प्ले में हम देख लेते हैं हमने कौन कौन से बनाए हैं प्रोडक्शन एंड अटेंडेंस पे टाइप। एब्सेंट हमने बनाया है, ओवर टाइम, प्रेजेंट एंड सिक लीव, तो ये चार ही आपको बनाने हैं। तो ये मैं सैलरी डे वाइज के हिसाब से बना रहा हूँ, इसलिए हमने उसे पर डेज के हिसाब से कैलकुलेशन के लिए लिया है। और जो ओवर टाइम है वो हमने आर के हिसाब से लिया है। अगर कोई गलती हो जाए तो आप ऑल्टर पर जाके उसको सही कर सकते हैं, अगर नाम गलत हो गया है या अटेंडेंस पे टाइप जो है वो गलत हो गया, तो आप उसको ऑल्टर पे जाके सही कर सकते हैं। यहाँ पर हमें एग्जिट करना है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, जिसमें हम बनाना सीखेंगे आज पे हेड। तो पे हेड बनाने से पहले मैं आपको एक चीज़ पहले ही क्लियर कर दूँ, यहाँ पर दो तरह के पे हेड हम बना रहे हैं, जो बेसिक में काउंट होंगे, एक अर्निंग से रिलेटेड और दूसरा डिडक्शन से रिलेटेड। तो ध्यान से आप देखिएगा इस वीडियो में, मैं आपको सबसे पहले अर्निंग के लिए पे हेड्स बता रहा हूँ। इसको हम क्रिएट करते हैं। देखिए जो सैलरी के कंपोनेंट्स होते हैं वो हमें इसमें बनाने होते हैं, जैसे अलाउंसेस हो गया, बेसिक सैलरी हो गया, एब्सेंट लीव हो गया, फीस हो गया, कमीशन हो गया, ये सब हमें बनाना होता है। तो मैं आपको सबसे पहले अर्निंग के पे हेड यहाँ पर बना के दिखा रहा हूँ। तो एज्यूम करते हैं हमारे एम्प्लॉई को बेसिक सैलरी मिलेगी, सैलरी जो कि एक अर्निंग है। तो अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। देन टैली हमसे पूछता है कि इनकम टाइप कैसा है, फिक्स्ड है या वेरिएबल है। तो जहाँ पर आपको लगता है आपकी कंपनी की सैलरी पेमेंट के हिसाब से, पॉलिसी के हिसाब से वो फिक्स है, चेंज नहीं होगी, तो वो फिक्स रहेगी, अदरवाइज़ वो वेरिएबल रहेगी हर छः महीने या हर एक साल में जो सैलरी इंक्रीमेंट होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे इनकम टाइप में, तो लिस्ट ऑफ ग्रुप में से हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि सैलरी हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो देखिए अगर आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, वहाँ पर लगने वाले जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सभी डायरेक्ट होते हैं फैक्ट्री के अंदर, और नॉन फैक्ट्री एक्सपेंसेस जहाँ पर आप सेल्स के बाद जो भी खर्चा करते हैं वो सभी इनडायरेक्ट होते हैं। तो मैं अज्यूम करता हूँ हमारा जो एम्प्लॉई है वो सेल्स के प्रोडक्शन के बाद वाली जगह पर काम करता है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में सैलरी को मैं काउंट कर रहा हूँ।
क्या ये नेट सैलरी को अफेक्ट करेगा? यस करेगा। नेम ऑफ टू बी डिस्प्लेड इन पे स्लिप में हमें क्या नाम रखना है, वहाँ पर हम बेसिक सैलरी के नाम से ही इसको रहने देते हैं। अगर आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, बेसिक पे, बेसिक या फिर मिनिमम सैलरी, ऐसे कुछ नाम आप इसका रख सकते हैं। यहाँ पर ग्रेचुटी कैलकुलेशन के लिए यूज़ हम तब करेंगे जब हम स्टैचुटरी पे हेड सीखेंगे, जिसके लिए आप अलग वीडियो मैं बनाऊँगा, वो आप देखेंगे। कैलकुलेशन टाइप में हमें यहाँ पर अब सेलेक्ट करना होता है कि बेसिक सैलरी की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। तो बेसिक सैलरी की कैलकुलेशन हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, तो ऑन अटेंडेंस टाइप हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है ऑन अटेंडेंस टाइप के लिए। सो बेसिक सैलरी जैसे हम बना रहे हैं तो टाइप ऑफ कैलकुलेशन में हमें सेलेक्ट करना होता है, तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे ऑन अटेंडेंस। ऑन अटेंडेंस जैसे हम सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर लिस्ट ऑफ अटेंडेंस टाइप आपको शो हो रहा है, जिसमें प्रेजेंट और सिक लीव शो हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे प्रेजेंट, क्योंकि जितने दिन एम्प्लॉइज आया है या काम किया है उसके हिसाब से उसकी बेसिक सैलरी यहाँ पर कैलकुलेट होगी। लिस्ट ऑफ पीरियड में हमें सेलेक्ट करना है हम उसको सैलरी कैसे दे रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सैलरी हम मंथली देते हैं, बट अगर बात करें कैलकुलेशन की तो डे बेसिस पे कैलकुलेट हमें करनी है सैलरी, तो यहाँ पर हम डे सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह से राउंडिंग ऑफ मेथड को आप डाउनवर्ड राउंडिंग, नॉर्मल या अपवर्ड राउंडिंग की तरफ कर सकते हैं। अगर आप राउंडिंग करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि जैसे अगर अमाउंट आया है 12 रुपये 49 पैसे, तो वो राउंड ऑफ होके 12 रुपये हो जाएगा, या 12 रुपये 67 पैसे आया है तो वो 12 रुपये 70 पैसे या 13 रुपये वहाँ पर हो जाएगा डाउनवर्ड या अपवर्ड राउंडिंग के हिसाब से। तो यहाँ अगर आप चाहे तो इसको नॉट एप्लीकेबल भी रख सकते, तो मैं यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल रख रहा हूँ। ओपनिंग बैलेंस हम कुछ भी नहीं डाल रहे हैं यहाँ पर। इसी तरह से हमें यहाँ पर बेसिक सैलरी के बाद जो पे हेड बनाना है वो हम बना लेते हैं एब्सेंट का। तो एब्सेंट का पे हेड बना रहा हूँ। देखिए एब्सेंट का जो पे हेड है वो हमारे लिए बनेगा डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉइज में, तो हम इसको बना लेते हैं डिडक्शन में। और कंपनी के लिए ये जो है करंट लायबिलिटी है, और नेट सैलरी को इफेक्ट करेगा यस। नेम ऑफ डिस्प्ले इन पे स्लिप में आप एब्सेंट यहाँ पर नाम चाहते हैं तो एब्सेंट ही रहेगा। इसके लिए भी हमें टाइप ऑफ कैलकुलेशन में सेलेक्ट करना है ऑन अटेंडेंस, और यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है एब्सेंट, और डेज के हिसाब से हम इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम यहाँ पर बनाते हैं सिक लीव। तो सिक लीव एम्प्लॉई के लिए अर्निंग का रोल प्ले करती है, तो अर्निंग यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है। कंपनी के हिसाब से हम यहाँ पर इसको भी वेरिएबल करते हैं, क्योंकि लीव जो है कम ज़्यादा या उसके हिसाब से चेंजेस हो सकते हैं जो पेमेंट प्रोसेस में एप्लीकेबल होते हैं। कंपनी के लिए ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारा जो एम्प्लॉई है वो प्रोडक्शन के बाद वाले ऑर्गेनाइजेशन में या डिपार्टमेंट में काम करता है, तो नेट सैलरी को ये अफेक्ट करेगा। नाम उसका सिक लीव रहेगा, और यहाँ पर ऑन अटेंडेंस हमें सेलेक्ट करना है टाइप ऑफ कैलकुलेशन में। यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे सिक लीव, ये भी हमें सेलेक्ट करना है लिस्ट ऑफ पीरियड में डेज के हिसाब से, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन भी डेज के हिसाब से ही होगी। अब हम यहाँ पर और जो दूसरे अर्निंग पे हेड से वो बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा अर्निंग पे हेड है वो मैं बना रहा हूँ डीए, डियरनेस अलाउंस। तो डियरनेस अलाउंस मैंने यहाँ पर बनाया, जो कि एम्प्लॉई के लिए अर्निंग है। कंपनी की तरफ से सैलरी चेंज होगी तो डीए भी चेंज होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ सैलरी पॉलिसी के हिसाब से। तो यहाँ पर वेरिएबल करते हैं, और यहाँ पर हम सेलेक्ट कर रहे हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और यहाँ पर अगर आप नाम चाहते हैं पे स्लिप में नाम क्या है, तो डीए अगर नाम चाहते हैं तो डीए ही लिखा हुआ आएगा, और शॉर्ट में मैंने उसको लिख दिया है। ये हमारे कैलकुलेशन टाइप में यहाँ पर अब चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो इसको चेंज करने के लिए हम यहाँ पर एज कम्प्यूटेड वैल्यू लेंगे। एज कम्प्यूटेड वैल्यू लेने के बाद यहाँ पर आप देखिए कम्प्यूटेशन इन्फॉर्मेशन आपको शो हो रही है। जो कम्प्यूटेशन इन्फॉर्मेशन आपको शो हो रही है, तो ऑन करंट अर्निंग टोटल, इस तरह से मेथड ऑफ कम्प्यूटेशन आपको चार तरह के दिख रहे हैं। तो डी ए की जो कैलकुलेशन होती है वो बेसिक सैलरी के बेसिस पे होती है, तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला, जिससे हम ये कैलकुलेट कर पाए कि बेसिक सैलरी का इतना परसेंट डी ए हम दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं बेसिक सैलरी और एंड ऑफ द लिस्ट। अब कौन से डेट से ये एप्लीकेबल है, तो वो डेट यहाँ पर एंटर कर दी है। और अगर आप स्लैब बनाना चाहते हैं कि जैसे 5,000 से 10,000 तक, 10,000 से 20,000 तक, 20,000 से 30,000 तक, सैलरी के लिए जो रेट है डीए का वो अलग अलग रहेगा। तो अगर आप ऐसा नहीं चाहते, आप सिंपल चाहते हैं कि जितने भी एम्प्लॉइज है सबको एक फिक्स रेट ऑफ डीए मिले, तो यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे।
तो यहाँ पर मैं फिक्स रेट ऑफ डीए डाल रहा हूँ, तो 15% मैंने यहाँ पर डीए ले लिया है। इसी तरह से हम यहाँ पर अब दूसरा पे हेड बनाएंगे जिसका नाम है हाउस रेंट अलाउंस। तो हाउस रेंट अलाउंस हमने यहाँ पर बनाना सीख रहे हैं। अर्निंग है ये भी एम्प्लॉय के लिए लिस्ट ऑफ पे हेड टाइप में से, तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे इसको अर्निंग में, और ये भी वेरिएबल में जाएगा, कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। यहाँ पर हाउस रेंट अलाउंस का नाम हम चेंज करके एचआरए कर रहे हैं, तो एचआरए यहाँ पर नाम कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमें कैलकुलेशन के लिए इसको लेना है, तो इसको भी हम लेंगे एज कंप्यूटेड वैल्यू में। तो एज कंप्यूटेड वैल्यू में हम लेने के बाद इसको स्पेसिफाइड फार्मूला में लेंगे, क्यों? क्योंकि एचआरए की जो कैलकुलेशन है वो बेसिक सैलरी और डीए पे होती है, तो हमें उन दोनों पे हेड का जितना टोटल आएगा उसके लिए हमें एचआरए को लेना है। तो ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला में हम यहाँ पर करेंगे बेसिक सैलरी एड पे हेड डीए, तो यहाँ पर हम इसको भी डीए की तरह ले सकते हैं। अगर सेलेब्रेट एप्लीकेबल है तो सेलेब्रेट लेंगे। चलिए मैं आपके लिए एक सेलेब्रेट का एग्जांपल यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ कि अगर एम्प्लॉय की सैलरी 5,000 रुपये तक है तो उसको हम कितना परसेंट डीए दे रहे हैं, 5%। और 5 से 10,000 रुपये तक है तो उसको हम 10% डीए दे रहे हैं, और 10,000 से ज़्यादा अगर है तो हम उसको 15% डीए दे रहे हैं। तो इस तरह से सेलेब्रेट आप भी बना सकते हैं जो भी कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग होता है। इसी तरह से अब हम यहाँ पर बनाएंगे एक पे हेड और जिसका नाम है ओवरटाइम। तो ओवरटाइम पे हेड बनाते हैं। ओवरटाइम एम्प्लॉय के लिए अर्निंग है, तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं अर्निंग, और ये भी चेंज होगा तो वेरिएबल हम यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है, नेट सैलरी को ये अफेक्ट करेगा, येस। इसका पे स्लिप में जो नाम रहेगा वो क्या रहेगा, ओवरटाइम, तो हम यहाँ पर कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर हम सेलेक्ट कर रहे हैं कि टाइप ऑफ कैलकुलेशन में से कि कैसे कैलकुलेट होगा, तो ओवरटाइम ऑन प्रोडक्शन पे सेलेक्ट करना है आपको। यहाँ पर लिस्ट ऑफ प्रोडक्शन टाइप में सेलेक्ट करना है ओवरटाइम, और ये देखिए आपका ओवरटाइम का पे हेड बन गया है। चलिए एक बार ही नज़र डाल लेते हैं हम कौन कौन से पे हेड्स हमने बनाए हैं। तो हमने बनाए हैं एबसेंट, बेसिक सैलरी, डीए, हाउस रेंट अलाउंस, ओवरटाइम, सिक लीव। तो इस तरह से हमने ऑलमोस्ट सारे पे हेड बना लिए, लेकिन यहाँ पर अभी भी एक दो पे हेड है जो मुझे लग रहा है होने चाहिए बट यहाँ पर नहीं है, तो हम उनको भी बना लेते। लाइक जैसे कन्वेंस अलाउंस का एक पे हेड हम यहाँ पर बना लेते हैं। तो कंपनी की पॉलिसी आप ज़रूर देखिए कि एम्प्लॉय का पे स्ट्रक्चर क्या है, उनको कौन सी पोस्ट पे क्या क्या पे स्ट्रक्चर होता है, वो आप ज़रूर चेक करें एक बार इस पे काम करने से पहले। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि एम्प्लॉय के लिए अर्निंग है और फिक्स्ड है कि कन्वेंस इतना मिलेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और किस तरह से मिलेगा इसके लिए टाइप ऑफ कैलकुलेशन में हमें यूज़र डिफाइंड वैल्यू या फ्लैट रेट हम ले सकते हैं। तो फ्लैट रेट या यूज़र डिफाइंड वैल्यू का मतलब क्या होता है, यूज़र डिफाइंड वैल्यू का मतलब ये होता है जितनी आप वैल्यू देना चाहते हो उतनी आप दे सकते हैं सैलरी देते टाइम। फ्लैट रेट का मतलब है ये फिक्स रहेगा, जैसे पर मंथ बेसिस पे आप फिक्स करना चाहते हैं 500 रुपये, 1,000 रुपये, 1,500 रुपये, तो ये फ्लैट रेट, या वीकली फिक्स करना चाहते हैं, डेली फिक्स करना चाहते हैं। तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पर हम मंथली कन्वेंस एम्प्लॉय को देंगे, तो वो एक फ्लैट रेट के हिसाब से देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है फ्लैट रेट। तो इस तरह से हम यहाँ पर पे हेड बना लेंगे। पे हेड बनाने के बाद अब हमें आगे क्या करना है इसके लिए आप हमारी जो है नेक्स्ट वीडियो देखिए, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि पे हेड बनाने के बाद हम कैसे सैलरी डिटेल डिफाइन करते हैं और सैलरी पेमेंट कैसे करते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आई होगी, टॉपिक आपको समझ आया होगा। आपका कोई भी डाउट है उसके लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अर्थ इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।